नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलगढ़ में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक नई बुलेट ट्रेन अपडेट के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बुलेट ट्रेन का जो भी काम है हमारी NHSR सेल के द्वारा जो भी किया जाना है वो सारे काम हमारे IITs को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि IITs के जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो भी वहाँ पे प्रोफेसर हैं, उनकी देखरेख में होगा ताकि जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको शेयर किया जा सके। दोस्तों ये अब पहली दफ़ा किया जा रहा है क्योंकि ऐसे बहुत सारे रेलवेज के प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर इस कोशिश को किया गया था लेकिन कंपनियों के द्वारा कई सारे प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिए गए थे। लेकिन अब इस बार ऐसा किया जा रहा है, पहली बार NHSRCL ने खुद ये जानकारी दी है और ये हमारी बुलेट ट्रेन के काम में किया जाना है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा रोजाना ऐसे ही मेड इन इंडिया वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों हम थोड़ी सी डिटेल रिपोर्ट की बात करें तो द इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो यहाँ पर जो हमारे देश के अंदर रेलवे सिस्टम है, चाहे रेलवे का ट्रैक्शन सिस्टम हो, चाहे उसका पावर सिस्टम हो, उसके साथ में ओवरहेड इक्विपमेंट्स हो, जो भी रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स, DFC यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इनकी जो डिजाइनिंग है और इनका जो भी इसके टेक्निकल वर्क हैं वो अभी तक बाहरी कंपनियां ही करती आई हैं और यहां पर हमारे कोई भी कंपनी इन्वॉल्व नहीं रही है इन सब कामों के लिए। हालांकि जो कंपोनेंट्स या फिर ट्रैक्स वगैरह का काम है वो इंडियन कंपनीज ने देखा है लेकिन जो इसका मेन पर्पज डिजाइनिंग का होता है वो बाहर की कंपनियों ने ही देखा है। इसी के साथ में अब हमारे देश के अंदर एक नहीं कई बुलेट ट्रेन परियोजनाएं हैं तो इसलिए हमारे देश के स्टूडेंट्स को भी प्रोफेसर को भी ट्रेंड होना पड़ेगा इस काम के लिए। और आप सभी ये भली भांति जानते होंगे कि हमारे देश के अंदर जो बुलेट ट्रेन है वो जापान की टेक्नोलॉजी बेस होगी और जापान से ही बनकर के आने वाली है। और इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एंड रेलवे टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा हमारे NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से बात की गई, जहाँ पर यह जानकारी देते हुए बताया गया कि जो हमारे देश की IITs हैं और IISCs हैं वो सभी इन कामों में इन्वॉल्व रहेंगी ताकि जो टेक्नोलॉजीज हो आसानी से शेयर की जा सकें। तो यहाँ पर कुछ IITs के नाम हाईलाइट किए गए हैं जैसे कि IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IISC बेंगलोर, और ये सारा काम जो मेन कंट्रोल होगा वो होगा IIT बॉम्बे के पास। ये सभी IIT यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एंड रेलवे टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिल करके जितना भी काम होगा हमारे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में वो सभी करेंगी ताकि टेक्नोलॉजी और नॉलेज को इजीली शेयर किया जा सके ताकि आने वाले टाइम में हमारे देश के ही कुछ स्टार्टअप्स इस काम में इन्वॉल्व हो सकें। अंदर आठ नहीं जितनी भी बुलेट ट्रेन परियोजनाएं आने वाली हैं उन सब में देसी कंपनियां भी पार्टिसिपेट इजीली कर सकें। तो ये कुछ जानकारी दी गई है हमारे NHSRCL की तरफ से। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से जुड़ी हुई सारी जानकारियों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।